एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैनिया विद रितु। आज होने वाला है मतलब अच्छी बेस्ट ग्लिटर पैलेट कौन सी है। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियोस बनाई थी, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर। ये पैलेट कौन सी है, ब्रांड कौन सा है, ग्लिटर कैसे है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है, इसी से हम अपना आई मेकअप करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जिस पैलेट की मैं बात कर रही हूँ वो है ये पिगमेंट प्ले पैलेट, और इसमें जो आपको कलर मिलते हैं इसमें आपको 28 कलर्स मिलते हैं। ये पैलेट काफ़ी अच्छी है अगर आप बिगनर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, नए नए मेकअप आर्टिस्ट हो, या बिगनर्स भी हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं चाह रहे हो और ग्लिटर लेना चाह रहे हो। तो अलग अलग ग्लिटर लेने के बजाय ना आप ऐसी पैलेट रख सकते हो वो अपने वैनिटी किट में। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको टोटल ना ऑलमोस्ट सारे शेड कवर हो जाते हैं, अलग से कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाले डिब्बे उठाऊँ या वो वाला बॉक्स लेके जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पैलेट कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और इसमें आपको देख सकते हो, इसमें ना ऑलमोस्ट सारे शेड कवर हो जाते हैं। कैसे आप भी आपका आई मेकअप हो, सब कुछ इसमें आपका आ जाएगा। इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। साथ साथ मैं प्राइस बता देती हूँ, जब मैंने इसको लिया था, शायद एक साल पहले लिया था, तब इसका प्राइस 1600 आया था। तो मैंने सेल में इसे 1450, लेकिन अब जो इसका प्राइस है वो अराउंड 850 रुपीज़ में आपको नायका से मिल जाएगा। ये आपको नायका पे इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आप वहीं से परचेज़ करें तो मैं यही सजेस्ट करूँगी। मैंने वहीं से लिया था। बाकी मैं इसका पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। इसके जो ग्लिटर है ना, इसकी ना शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये है इसका ब्लू कलर, देख रहे हो, और रेड कलर। इसका मैं लाइटर शेड भी आपको दिखा देती हूँ, ये बेबी पिंक कलर है। और ग्लिटर इतने अच्छे हैं ना इसके कि आपको लगेगा ना कि मुझे अलग से कुछ लेना ही नहीं है। देखो शाइन कितनी अच्छी है इन ग्लिटर्स की, बिल्कुल भी ख़राब ग्लिटर्स नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इन ग्लिटर्स की। और ओवरऑल मुझे जो पैलेट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप ये पैलेट ले लोगे ना, एक पैलेट, तो आपको कोई और ग्लिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी लगाना वो लगा। तो मैं स्टार्ट सीधा आई मेकअप ही हम करते हैं। यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ मैं, मैं कंसीलर को सेट कर रही हूँ। मैं यह स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर, ये मैं मास्क की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मैं सबसे पहले लाइटर शेड ही यूज़ करूँगी, रस्टी सा कलर, रस्टी ऑरेंज। तो सबसे पहले लाइटर सा ब्राउन कलर लेना है और उसको मैंने क्रीज लाइन पे ब्लेंड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक हल्का सा पिंकिश कलर ले रही हूँ, पिंक मतलब थोड़ा सा मैचिंग डिज़ाइन के साथ। और उसके साथ मैंने हल्का सा ब्लैक आई शेडो लेके उसको स्मज किया है, ताकि हल्का हल्का सा ऐसा वाला स्मोकी लुक आ जाए। ये वाले लुक ना बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैंने आईलाइनर नहीं यूज़ किया है, मैंने ब्लैक आई शेडो को ही एज अ आईलाइनर लगाया है और उसको हल्का हल्का सा स्मच कर दिया है, तो ये भी बहुत अच्छा लुक लगता है। अब मैं ग्लिटर ले रही हूँ, इसमें आपको किसी भी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपने डिज़ाइन से मैचिंग का ही लूँगी, ये वाला चल जाएगा आई थिंक, या फिर ये वाला चल जाएगा। इसको और इसको मिक्स करके लूँगी, आप देख सकते हो इसकी शाइन बहुत अच्छी है। ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी शाइन है इस ग्लिटर की, बहुत अमेजिंग है इसकी क्वालिटी। अब मैं जो ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ ना, आप देख सकते हो इस ग्लिटर की क्वालिटी कितनी अच्छी है।
अमेजिंग क्वालिटी है इस ग्लिटर पैलेट की। एक ही पैलेट काफ़ी है, अलग से कोई भी लूज ग्लिटर नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, या वैसी शाइन कुछ नहीं लेना है। शिमर आपको यूज़ करना है तो आप अलग से लोगे, लेकिन ग्लिटर के लिए आपको ये बेस्ट पैलेट है। अब मैं फटाफट से अपना बेस तैयार कर रही हूँ, बाकी का मेकअप कर लेते हैं। स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ले रही हूँ नंबर 02, मेरी एग्जैक्ट मेरी स्किन से मैचिंग का फाउंडेशन। फाउंडेशन की क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इस फाउंडेशन की। 400-500 की रेंज में ये सबसे अच्छा फाउंडेशन लगा मुझे अब तक का सबसे अच्छा फाउंडेशन। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया फटाफट से। इसके बाद यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लेके पूरे बेस को सेट कर रही हूँ, और हल्का हल्का सा ब्लशर अप्लाई कर लिया है हमने। और ये है हमारा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ उसी की पैलेट से। और लिपस्टिक जो यूज़ कर रही हूँ वह है लव अर्थ की पिंक लेडी, बहुत ही प्यारा शेड है ये वाला, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो आप देख सकते हो मेरा फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। ग्लिटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो, आपको अलग से कोई पैलेट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। बाय बाय एंड टेक केयर।